हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्स लर्नर्स में। दोस्तों, एसएससी ने एमटीएस की फाइनली वैकेंसी निकाल दी है, तो चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है और एग्जाम पैटर्न क्या है, सारे चीज़ को डिटेल में चलिए देखते हैं। देखिए, अप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका कल से फॉर्म भरा रहा है 20 तारीख से, ठीक है। 20 से 21 जुलाई तक फॉर्म भरा रहेगा, ठीक है। और जो एज इसमें रखी गई है 25 साल है जनरल के लिए, 28 साल है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 30 साल, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है ना, एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, और इसमें दो टाइप की वैकेंसी आती है, एक 25 साल वाले के लिए और 27 साल वाले के लिए, ठीक है। बेसिकली जनरल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 25 साल वाले जनरल के लिए ये है, ठीक है। तो दो टाइप की, जो 25 साल वाला का होगा उसमें ओबीसी को 3 साल छोड़, एससी को 5 साल का छोड़, ठीक है। अब 27 साल वाला जनरल का 27 साल है, ओबीसी का 30 साल है, एससी का 32 साल है। फीस आपकी लगेगी 100 रुपया, एससी फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। फीस मीन आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसका जो सिलेबस बहुत छोटा होता है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका कट ऑफ जो होता है ना, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, इसका कट ऑफ हाई जाता है, ठीक। और इसका एग्जाम पैटर्न देखिए, एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा, मैथ्स पूछे जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, और इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैथ्स में क्या होगा ना, 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स में पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपको टोटल 45 मिनट मिलेंगे एक सेक्शन के लिए, एक सेशन के लिए, और इसमें नेगेटिव कोई मार्क्स नहीं होगा, ठीक है। और एक ही दिन दोनों है ना, एक ही दिन दोनों सेशन होगा। ये सेशन खत्म होने जाने के बाद ये सेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन टू में आपका जीए है, जीए 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्क्स इसमें एक नंबर है, नेगेटिव मार्क्स एक नंबर है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, देखिए दो सेशन है, ठीक है। ये सेशन होगा क्वालिफाइंग है ना, क्वालिफाइंग, ठीक है। और इसमें आपको पास करना जरूरी है, लेकिन याद रखिएगा, इसमें आपको पास करना एकदम मैंडेटरी है। ये पास कीजिएगा सेशन वन तो ही आपका सेशन टू चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है पास करना, ठीक है। आपको आई थिंक 30% पास के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिए, आपका जो मेरिट बनेगा वो सेशन टू से बनेगा, मेरिट बनेगा जीए और इंग्लिश से, ठीक है ना। इसमें आप कितना भी ज्यादा मार्क्स लाइएगा, ये आपको मेरिट में ऐड नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, मेरिट में इसका होगा, जीए और इंग्लिश का, बट इसमें आपको पास करना जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपकी है एमटीएस के लिए है 1200 और हवलदार पोस्ट के लिए है 360, है ना। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, टोटल वैकेंसी होगी 1560 है, ठीक है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, आगे में भी इंक्रीज कर सकता है। और देखिए, हवलदार के पोस्ट के लिए आपको वॉक करना पड़ेगा 1600 मीटर आपको 15 मिनट में मेल के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए है 100 मीटर 20 मिनट, 1000 मीटर 20 मिनट में, ठीक है। 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर, और जो मेल का था 1600 मीटर मीन्स 1.5 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर। अब देखिए, हाइट जो बोला गया है ना, मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेल के लिए जो चेस्ट एक्सपेंड आपको करना पड़ेगा 81 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल के लिए बोला गया है, फीमेल में हाइट बोला गया है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल का चेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। फीमेल का चेस्ट चेकअप नहीं किया जाता है, इसका वेट मांगा जा रहा है, वेट
वेट होना चाहिए 48 kg मिनिमम होना चाहिए वेट, ठीक है, फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, इसको कुछ ज्यादा बताने को कुछ है नहीं है, है ना। तो आप इसको तैयारी बढ़िया से कीजिएगा, क्योंकि इसका कट ऑफ डेफिनेटली हाई जा सकता है, क्योंकि अगर कट ऑफ का एनालिसिस किया जाता है तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन लास्ट ईयर जो हमारा वैकेंसी था वो थोड़ा ज्यादा वैकेंसी था, लेकिन इस बार वैकेंसी काफी कम है, तो कट ऑफ इस बार ज्यादा जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।